गुड मॉर्निंग दोस्तों दोस्तों मैंने 2 दिन की तो अपडेट आपको दी हुई है, पहले वाले और दूसरे दिन वाले वीडियो में। आज तीसरे दिन वाले वीडियो डाल रहा हूँ मैं, जो कि आपके लिए बस एक अपडेट है। ये जो वीडियो चल रहा है उसके ऊपर ध्यान मत देना दोस्तों। मैंने तीसरे दिन भी ये लोग को सुबह वाले पानी में टेट्रासाइक्लिन पाउडर और वायमरॉल दिया हुआ है चूज़ों के लिए। 100 चूज़ों के पीछे 4 ml वायमरॉल और 1 g/100 चिक्स के पीछे टेट्रासाइक्लिन पाउडर। पिछले वाली वीडियो में मैंने 1 ml बोला था टेट्रासाइक्लिन पाउडर, लेकिन ml नहीं, ग्राम में, क्योंकि वो पाउडर में होती है और वो जो वायमरॉल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है दोस्तों। तो तीसरे दिन की भी ट्रीटमेंट सेम ही रखी हुई है, मैंने सिर्फ सुबह के पानी में दिया हुआ, सॉरी मैंने सुबह के पानी में दिया हुआ है, शाम के पानी में, कल वाले शाम के पानी में भी दिया था, परसों वाले भी शाम के पानी में दिया था, आज मैं खाली सुबह वाले पानी में ही दूंगा, तो शाम वाले पानी में नहीं दूंगा। आपके अगर चूज़े तंदुरुस्त आपको नज़र आ रहे हैं तो आप सिर्फ एक टाइम में भी दे सकते हो, या चाहे तो दोनों टाइम भी दे सकते हो। लेकिन दोस्तों होता क्या है, ज़्यादा एंटीबायोटिक भी अच्छा नहीं होता, इसलिए ज़्यादा एंटीबायोटिक मत चलाना दोस्तों। हो सके तो सिर्फ एक टाइम के पानी में एंटीबायोटिक दे देना दोस्तों। वायमरॉल सुबह शाम दोनों टाइम मत देना, एक ही टाइम देना, और अगर पॉसिबल है तो एक टाइम पे ग्रोविप्लेक्स दे देना दोस्तों। और बाकी अपडेट में मेरे पास ऐसा कुछ नया नहीं है जो तीसरे दिन वाले अपडेट में आपको मैं बता दूं। दाने में हम लोग प्री स्टार्टर ही दे रहे हैं, और 3 दिन में मेरी मोर्टेलिटी हो चुकी थी लगभग 7 चूज़ों की दोस्तों। जो मोर्टेलिटी होती है वो अपने गलती की वजह से नहीं होती, शायद मेरी एक गलती हो रही है कि मैंने 700 चिक्स की ब्रूडिंग एक साथ में की हुई है। नेक्स्ट टाइम हम लोग छोटी छोटी ब्रूडिंग करेंगे, एक ट्राई करेंगे कि शायद उससे हो रही है तो वो पता चले। लेकिन कुछ चूज़े मेरे पास अभी भी ऐसे आए हुए हैं जिसे बचाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, या फिर उससे बचा के भी फ़ायदा नहीं हो, ज़्यादा वेट नहीं लेने वाले, क्योंकि जो चूज़े मेरे पास पहुँचे हुए हैं उसमें से कम 10 चूज़े, मतलब ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही है, लेकिन 10 चूज़े ऐसे है जिसे बचाना बहुत मुश्किल लग रहा है दोस्तों। और वो बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब जो बटेर आते हैं बटेर के चूज़े जितने हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा वो वाला चूज़ा, अगर मिल जाए मेरे को कहीं पे तो। और दोस्तों पानी जो है, अगर पॉसिबल है आपको 2 टाइम या 3 टाइम चेंज करते रहो, क्योंकि पानी बड़ा गंदा कर देते हैं लोग फीड जो है। लेकिन पानी ऊपर मत रखना दोस्तों, जैसे मैंने पानी नीचे रखा हुआ है पेपर पे सीधा, ऐसे रखना स्टैंड पे। अगर पानी रखोगे तो चूज़ों को पानी पीने में बड़ी तकलीफ़ होती है, और चूज़ा अगर पानी कम पिएगा तो डिहाइड्रेट होके चूज़ों की मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी दोस्तों। 3 दिन तक तो हम लोग इसे दवाई देते हैं, 4th और 5th दिन हम लोग इन्हें कुछ भी नहीं देते, सादा पानी और फीड दे देते, और 6th दिन इसका वैक्सीनेशन होता है दोस्तों। इस बार मैं ट्राई करूँगा कि वैक्सीनेशन की वीडियो प्रॉपर तरीके से बना सकूँ, क्योंकि मैंने पहले वाली वीडियो में, सिर्फ पहले वाले बैच में आपको वैक्सीनेशन की वीडियो दिखाई थी, बाकी वैक्सीनेशन की वीडियो आपको नहीं दिखाई है दोस्तों। इस बार मैं कोशिश करूँगा कि वैक्सीनेशन की पूरी वीडियो आपको बना के डाल दूँ दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कल की अपडेट के साथ दोस्तों। लेकिन कल का वीडियो या और परसों का वीडियो शायद मैं नहीं बना पाया, तो 4th और 5th दिन हम लोग सिर्फ सादा पानी देते हैं दोस्तों, पानी में कुछ नहीं देते हैं, और फीड में नॉर्मल जो प्री स्टार्टर होता है वही कंटिन्यू रखते हैं दोस्तों। और फीड की मैं आपको एवरेज भी बता दूँ, हम 1 चूज़ों के पीछे 10 g फीड देते हैं दिन भर में, मतलब सुबह 5 g, शाम को 5 g, 2 टाइम पे देते हैं, आप वो हिसाब से दे देना दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।